स्नैक्स या लंच बॉक्सेस के लिए कुछ ऐसी रेसिपी जिसे बनाने के बाद आप स्टोर कर पाएँ, तो ये रेसिपी बिल्कुल उसी तरह की है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कश्यप्स किचन चैनल। आज हम बनाएंगे चिरोटे की रेसिपी, जो अक्सर फेस्टिव सीज़न पे बनाई जाती है, लेकिन ऐसे भी बना के आप इसे स्टोर कर सकते हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी और फ्लेकी होती है। तो रेसिपी को पूरा ज़रूर देखिए और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आइए देखते हैं ये कैसे बनता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे, जिसके लिए एक मिक्सिंग बाउल में 1.5 कप मैदा ऐड किया मैंने। इसे फ्लेकी और क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें ऐड करेंगे हम सूजी। यहाँ पे बारीक सूजी का इस्तेमाल कीजिए, लगभग 5 टेबल स्पून लिया है मैंने। अब डालेंगे इसमें जीरा 1 टेबल स्पून, 1 छोटी चम्मच अजवाइन ऐड किया है मैंने, कुटी हुई काली मिर्च 1 छोटी चम्मच ऐड करेंगे, आप चाहें तो पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, यहाँ पे मैंने 1/2 छोटी चम्मच नमक डाला है। मोयन के लिए आप घी या तेल कुछ भी ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने तेल ऐड किया है, 4 टेबल स्पून डाल देंगे। अब तेल के साथ हमें अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है ताकि ये बंध जाए। तो धीरे धीरे रब करते हुए इसे मिक्स कीजिए, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल लास्ट में ये बंधने लगेगा। ये देखिए अच्छी तरह से तेल मिक्स हो चुका है मैदा में। और यहाँ पे मोयन चेक करने के लिए एक सिंपल सा तरीका है कि इस तरह से आप इसे प्रेस करेंगे हथेलियों के बीच, तो गुठली में ये कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि बहुत अच्छी तरह से मोयन सेट हो चुका है। मोयन डालने के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करके एक सॉफ्ट डो बनाएंगे। तो लगभग 2 से 3 चम्मच पानी ऐड किया मैंने, अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लीजिए। बिल्कुल आटे की तरह इसे हमें सेट करना है, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कीजिए और इसे मसलते जाइए इस तरह से। तो धीरे धीरे ये पूरी तरह से सेट हो जाता है, ये देखिए। और बिल्कुल सॉफ्ट डो लगाना है हमें इसका। हमने इसमें सूजी ऐड किया है, वो पूरी तरह से पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा और बाद में हमारा डो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। तो इसे कवर कर देते हैं 10 मिनट के लिए। जब तक डो हमारा सेट हो रहा है, इस बीच एक मिक्सचर बनाएंगे, जिसके लिए 3 चम्मच पिघला हुआ घी में मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया है। आप चाहें तो चावल का आटा भी ले सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस मिक्सचर से हमारे चिरौटे काफ़ी क्रिस्पी बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए मिक्सर तैयार हो चुका है, ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी होगी। तो अब चलते हैं डो की तरफ, जो कि सेट हो गया है। और यहाँ पे मैं आपको डो का टेक्सचर दिखाती हूँ, जो कि थोड़ा सा हार्ड हो गया है। तो पहली बार में डो को सॉफ्ट लगाइए, क्योंकि हम इसमें सूजी का इस्तेमाल करते हैं, तो सूजी पूरी तरह से पानी एब्जॉर्ब करता है और बाद में ये परफेक्ट टेक्सचर में आ जाता है, जो कि हमें चाहिए। तो हल्का सा ये कड़ा होना चाहिए। तो ये देखिए आप टेक्सचर। अब इन्हें हम पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे, जिस तरह से हम रोटियां बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से थोड़ी सी बड़ी लोई लेंगे। अब चकला बेलन को अच्छी तरह से ग्रीस कर लीजिए, हथेलियों को ग्रीस कर लीजिए तेल से, और इसे गोल कर लेंगे सारे पोर्शन को, बिल्कुल लोई की तरह हम बना लेंगे इसे। ये देखिए अब हम इन्हें बेलेंगे, तो थोड़ा सा तेल अप्लाई करेंगे ऊपर में, और इसे आप जितना पतला बेल सकें आप इसे बेल के तैयार कर लीजिए। तो धीरे धीरे ये श्रिंक करते हैं, तो थोड़ा सा आप तेल लगा सकते हैं इसके ऊपर, तो आप देखेंगे कि ये श्रिंक नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पहली रोटी बना के तैयार कर ली है। इसकी थिकनेस मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए। और बिल्कुल इसी तरह से हम चारों रोटियाँ बना के तैयार कर लेंगे। तो इसे मैंने प्लेट में साइड में रख दिया है और ये आखिरी रोटी मैंने बना ली है। बाकी की 3 रोटियां प्लेट में रख दी है मैंने, ये देखिए। अब इस रोटी के ऊपर हमने जो मिक्सचर बनाया था वो अप्लाई करेंगे। तो पहले इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, क्योंकि कॉर्नफ्लावर जो है वो नीचे बैठ जाता है। तो इसके लिए इसे मिक्स कीजिए और 1 से 1.5 चम्मच इसके ऊपर हम डालेंगे इस तरह से, ये देखिए। और इसे अच्छी तरह से हम स्प्रेड कर लेंगे। आप ब्रश से भी कर सकते हैं, लेकिन हाथों से भी बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। इस तरह से चारों तरफ हम इसे अप्लाई कर लेंगे, बिल्कुल इवेनली स्प्रेड करना है। और यही स्टेप हमें चारों रोटियों के साथ करना है। तो इसे स्प्रेड करने के बाद दूसरी रोटी यहाँ पे मैंने डाल दी है। इस स्टेज पे आप रोटी को थोड़ा सा स्ट्रेच करके मिला सकते हैं पहली रोटी के साथ, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऐसे बाद में हट ही जाता है। अब सेम हम स्टेप रिपीट करेंगे, मिक्सचर डालने के बाद उसे स्प्रेड करेंगे और फिर से इसके ऊपर हम
रोटी रखेंगे। तो ये आखिरी रोटी है जिसे मैंने रख दी है, अच्छी तरह से इसे प्रेस कर दिया है। अब इसके ऊपर हम मिक्सर लगा के फैला लेंगे। अब इसे हमें फोल्ड करना है, तो बिल्कुल साइड को मिलाते हुए हम हल्के हाथों से दबाते हुए इसे फोल्ड करेंगे। इस तरह से देखिए, जिस तरह से आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, और बिल्कुल हल्के हाथों से इसे फोल्ड करते जाइए। तो तीन रोटियों के साथ आप इसे बना सकते हैं, चार के साथ बना सकते हैं, लेकिन उससे अधिक नहीं। अब हम इसे पीस से कट करेंगे, उसके बाद हम इसे आधे आधे इंच के टुकड़ों में काट लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर कितनी अच्छी लेयर्स निकल के आई हैं, ये देखिए। और जब ये फ्राई होंगी तो बहुत ही सुंदर लेयर्स बनती है। तो यहाँ पे मैंने कट लगा लिया है आधे आधे इंच के टुकड़ों पे। अब बिल्कुल रफली तरीके से इसे काटेंगे, क्योंकि बाद में हमें इसे बेलना है, तो यहाँ पे शेप का ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो यहाँ पे पीसेस को मैंने कट कर लिया है, ये देखिए। अब हम इन्हें हल्का सा बेलेंगे, तो उससे पहले हथेलियों के बीच इसे हल्का सा प्रेस कर लीजिए। यहाँ पे तेल लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इजीली ये बेल लेंगे आप। तो यहाँ पे बिल्कुल हल्के हाथों से इसे थोड़ा सा स्ट्रेच करते हुए बेल लीजिए, बहुत बड़ा इसे नहीं करना है। ये देखिए इस तरह से, और आप देख सकते हैं शेप कितना अच्छा आ गया है। तो इसी तरह से हम बाकी का भी बेल के तैयार कर लेंगे। बहुत आसान है ये बनाना, और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। अगर बेलते समय इस तरह से ये खुल जाए तो आप इसे ऊपर लाके स्टिक कर दीजिए, हल्का सा प्रेस कर दीजिए और फिर बेलिए, तो आप देखेंगे कि आसानी से ये चिपक जाता है, ये देखिए। तो यहाँ पे लगभग सबको बेल के हमने तैयार कर लिया है। तो अब इन्हें हम फ्राई करेंगे, तो जिसके लिए तेल को गर्म कर लिया है। तेल हमारा अच्छा गर्म होना चाहिए, और यहाँ पर गैस का फ्लेम हाई है। इसे डालने के बाद हम गैस का फ्लेम मीडियम करेंगे, तो कढ़ाई में जितना ऐड हो सके डाल देंगे हम। और एक बैच को फ्राई करने में आपको 12 से 15 मिनट का समय लग जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लगभग एक मिनट हो चुका है, हल्का सा कलर चेंज हुआ है, हमें इसका कलर गोल्डन ब्राउन करना है। तो फ्लिप कर देते हैं, एक एक मिनट पे हम इसे फ्लिप करते रहेंगे। बाद में आप गैस का फ्लेम लो कर सकते हैं, तेल अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तो। अगर तेल का टेम्परेचर आपको कम लग रहा हो तो लो टू मीडियम के बीच कर दीजिए, और इसी तरह से हम इसे फ्लिप करते हुए फ्राई करेंगे। थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है इसे फ्राई होने में, लेकिन अंदर से ये क्रिस्पी बन के निकलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 मिनट हो चुका है इसे फ्राई होते हुए, और अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो एक बैच हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, तो इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। और यहाँ पर आप इसकी लेयर्स देख सकते हैं, बिल्कुल जलेबियों की तरह ये बनती है, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होती है। इतनी फीलिंग है कि अगर आप एक खा लेंगे तो 4 से 5 घंटे तक आपको भूख नहीं लगेगी। तो ट्रैवलिंग के लिए भी बहुत अच्छी है, आप इसे बना के ले जा सकते हैं। यहाँ पे हल्का सा ये ठंडा हो गया है, पूरी तरह से क्रिस्पी हो चुका है। तो अब मैं आपको इसे तोड़ के दिखाती हूँ, और टेक्स्चर तो आप देख ही सकते हैं कितना कुरकुरा लग रहा है। और ये देखिए ईजिली ब्रेक हो रहा है, बहुत ही खस्ता है, ये देखिए। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस रेसिपी का इंग्रेडिएंट्स लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। मेरी बाकी बनाई रेसिपीज़ को देखने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए लिंक्स पर क्लिक कीजिए, और उसे भी लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।